तो बाकी की फिंगर्स बनाना है आज अपन को, तो 4B पेंसिल लो अपन, ये नीचे वाली फिंगर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे बेसिकली अपन ने ये वाली फिंगर स्टार्ट करी थी, वैसे ही ये वाली करेंगे। तो नेल्स से कर, पहले नेल्स बाद में बनाएंगे, नेल्स के आसपास शेड करना स्टार्ट करो 4B से, ठीक है। आराम से शेड किया अपन ने, ठीक है। तो नेल्स वाला पोर्शन, अब क्या करना है, मेनली ये है आउटलाइन, फिर ये पहले राइट साइड वाली आउटलाइन देखते हैं, इसे शेड करते करते बीच में इसे कर्व है, ऐसे कर्व करते करते बीच की बीच से थोड़ा दूर रखते हैं, कम बीच में मत लेना, ये वाला पार्ट है, ये शेड करते करते थोड़ा ऊपर आएगा, हल्का सा नकल्स को उतना नहीं करना अपन को, हल्का सा यहाँ करना है बस, ठीक है। सेम चीज यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन उतना ज्यादा नहीं लाएंगे, यहाँ से हल्का सा आगे लाए, यहाँ हल्का सा आगे, और यहाँ हल्का सा आगे लाते हैं, लाइट एकदम से डार्क कर देंगे, बंदी बन, और ये शेड होते होते नकल्स जो अपन ने बनाए थे उसके ऊपर आएगा, ये यहाँ मिक्स, ठीक है। अब एक चीज होती है, अपन को मैकेनिकल पेंसिल लो और हल्की हल्की जो आउटलाइन है, देखो गलती क्या करते हो, बहुत डार्क आउटलाइन बना देते हो, तो उंगली बहुत अच्छी करती है, आउटलाइन ऐसे लाइटली बनाओ, ठीक है। अब ब्लेंडिंग स्टंप लिया अपन ने, तो ब्लेंडिंग स्टंप ऐसे सर्कुलर चलाओ, ठीक है, ब्लेंडिंग स्टंप ऐसे सर्कुलर चलाओ, ऐसे नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे लाओ, बीच की तरफ ऐसे सर्कुलर चलाओ, तो और अच्छे से ब्लेंड होगा, जहां जहां शेड किया ना, तो यहाँ पे ऐसे सर्कुलर चलाते जाओ, ऐसे बीच में हल्का सा हाइलाइट दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अब मेनली क्या रहता है, नकल्स इसके आसपास भी ऐसे थोड़ा हल्का सा ब्लेंडिंग स्टेप चलाओ, ब्लेंडिंग स्टेप में इतना ग्रेफाइट होगा कि हल्का सा यहाँ पे कवरिंग टाइप आ जाए, बहुत ज्यादा अपन कैसे लाइट नहीं छोड़ना कि चमकता रहे वो, लेकिन एकदम भी ऐसे नहीं करना कि पूरा फिल हो जाए, तो इस तरीके से 4B वाली लेयर होती है, तो अभी रुक जाओ, अपन पूरा तैयार करके रखेंगे। अब जो नील है, इसकी आउटलाइन दी अपन ने, ठीक है, इसमें क्या किया था मैंने, मैंने इस तरीके से लिया, ये पीछे की एक लेयर इरेज करी, एक लाइन से इरेज करी। अब मैं क्या करना, मुझे नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ जो शाइनिंग वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ डार्क टू लाइट करना, तो यहाँ पे हल्का हल्का डार्क होगा, ऊपर जाते जाते थोड़ा थोड़ा लाइट शेड होगा, ब्लेंडिंग स्टंप से भी वैसे ही होगा, ब्लेंड ये डार्क हो गया, ऊपर जाते जाते लाइट हो गया, 4B वाली लेयर का काम होता है अपना मेनली, ठीक है। ये मैंने बनाए थे जो ये थोड़े ब्लेंड हो गए, इन्हें दोबारा बना लो, एक बार ध्यान रखना ये प्रिसाइसली अच्छे बनने चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी उल्टे सीधे कर्व्स बना दिए, जैसे रेफरेंस में है, अगर इसमें नहीं दिख रही तो फोन पे देखो, ठीक है। अब ये मोनोजीरो इरेजर लिया अपन ने, ये जो है इसके ऊपर देख सकते हो थोड़े थोड़े, अब तुम्हें नहीं समझ में आया तो अपनी उंगलियों पे देखो किस डिजाइन में रहते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इरेज करना, बहुत ऐसे मतलब मोटी मोटी इरेज नहीं करनी रहती अपन, तो हल्का हल्का इरेज किया, थोड़ा थोड़ा यहाँ इरेज किया, ये ठीक है, ये जो आउटलाइंस इसकी रहती थी यहाँ पे ये इरेज हो गई, तो ये दोबारा बना लिया अपन ने, ठीक है। 4B वाली लेयर होती ये होता, अब आती है 6B की लेयर, 6B की लेयर हर जगह नहीं, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा इस एरिया में आती है, थोड़ा टिप पे रहती है, टिप पे तो रहेगी, आगे वाला पोर्शन जो है से डार्क रहेगा, यहाँ पे शेड हो, अब इतना भी डार्क मत कर देना कि वो तुम एकदम गूंजने लग जाए, आराम आराम से शेड करो इसे, ऊपर जाते जाते लाइट हो जाएगा, नीचे का हिस्सा ये डार्क है, ये ऊपर जाते जाते लाइट हो गया, यहाँ वाला हिस्सा देख सकते हो, जैसे ये स्वेलिंग वाला पार्ट रहता है ना उंगलियों का, ये वाला हिस्सा, ये सब जो है, ठीक है, ये अपन को डार्क रहता है, दिखाना है कि हल्का डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क मत कर देना, फिर इस मेरे को फॉलो करो, यहाँ पे ये आया, थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा लाइट रहेगा, ये इतना ज्यादा यहाँ डार्क नहीं है, मेनली डार्क ये रहेगा, तो हल्का यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, इस पार्ट में रहते हैं, यहाँ पे भी मैंने बताया था, तो हल्का हल्का ऊपर ऊपर शेड करो, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ, थोड़ा बहुत, धीरे
धीरे धीरे ऐसे डार्क टू लाइट ऊपर की तरफ ले गए यहाँ पे, बस अपनी हो गई। इसे भी अपन ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से स्मूथली ब्लेंड कर देंगे। सर्कुलर चलाओ ब्लेंडिंग स्टम्प, उससे क्या होता है अच्छे से ब्लेंड होता है। अभी अपन को इसकी आउटलाइन दोबारा देनी है। इसे अपन ने ये किया था, इसे अंदर बाहर से अंदर की तरफ लाओ ताकि ब्लेंड हो, थोड़ा ऊपर ऊपर करो ताकि ये इससे थोड़ा डार्क दिखे। सर्कुलर चलाओ, देखो ये इरेज नहीं हो जाना चाहिए, अपन ने जो इरेज किया वो बंद कर देना। धीरे से अंदर अंदर की तरफ ऐसे सर्कुलर चलाओ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलता जा रहा है। बहुत आराम से करना है ये बात अपन चीज अपन को। ये फिर से आउटलाइन दी अपन ने नेल्स की, ठीक है, हाईलाइट दोबारा दिया और हल्का हल्का इस पे जो स्ट्रोक्स रहते ना ऐसे वो लगा। इस तरीके से ये अपनी एक फिगर हो जाती है। तो हल्का हल्का आउटलाइन इसकी, इसे डार्क मत देना कि बहुत डार्क रखना, ठीक है, लाइट रखना। और फिर ब्रश ले लो, ब्रश से ऐसे थोड़ा इसके बॉर्डर बॉर्डर के आसपास से चलाओ ताकि थोड़ा फैले, एकदम से डार्क लगने लगे अपन को पता चला बहुत डार्क लगने लग गया। गलती यही करोगे कि तुमने डार्क शेड कर दो, मैं पहले बता रहा हूँ वो गलती आप स्टार्टिंग से अवॉइड करके चलो ना, पहले उसको लाइट शेड, ठीक है, इतना करो। अब अपन ये वाली फिगर करते हैं। तो भाई अपन बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। अपन को पता है कि सेंटर से थोड़ा यहाँ हाईलाइट रहेगा, इस वाली फिगर में देखो यहाँ पे भी हाईलाइट है थोड़ा, यहाँ यहाँ अगर डिफरेंस में देखोगे तो वो अपन मोनो जीरो से बनाएंगे। तो पहले भाई अपन 4B पेंसिल ली, अपन ने 4B पेंसिल है अपन, यहाँ से ये नाखून के आसपास शेड लिया। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा ना पूरा ही शेड रहता है, आँख में देखो ये वाला हिस्सा तो पूरा ही शेड रहता है। ये किया, अब ये कर्व है, कर्व करते करते थोड़ा सेंटर की तरफ गए, कर्व करते करते नियरली स्ट्रेट रहता है थोड़ा सेंटर की तरफ। अब ये नकल्स है, ठीक है, यहाँ पे लाए, ये थोड़ा ऊपर की तरफ ले गए, हल्का हल्का देख सकते हो नकल्स के पास नीचे नीचे शेड हुआ है और ये यहाँ पे शेड होते होते ऊपर गया और यहाँ मिक्स हो गया। तो ब्लेंड करना है अपन भाई ब्लेंडिंग स्टम्प से करेंगे, तो आराम आराम से करना, स्मजेस नहीं आने चाहिए, सर्कुलर चलाते जाओ होता जाएगा। यहाँ किया, आराम आराम से सर्कुलर चलाओ, पूरा सेंटर का हिस्सा भरना नहीं है, आराम आराम से किया। नकल्स के पास आराम से करना क्योंकि अपन ने ज्यादा ही हिस्सा छोड़ा है, ठीक है, इतना नहीं करना है। लेकिन इसकी बॉर्डर अपन क्या करते हैं, बॉर्डर पे से सर्कुलर चलाते हैं, यहाँ यहाँ सर्कुलर हुआ, ठीक है। तो ये नकल्स अपने उतने ज्यादा नहीं दिखने चाहिए लेकिन दिखते हैं थोड़े बहुत ऐसे। अब जो फिंगर नेल है मैकेनिकल पेंसिल से हल्की आउटलाइन दी अपन ने, ठीक है। ये वाले जो पोर्शन है ये ना, ये उंगलियों के, इसमें अपन को जो हाईलाइट देने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे हल्का सा ये आता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ इस तरीके से हाईलाइट है थोड़े, यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट्स। अब क्या इसके आसपास थोड़ी हल्की सी मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग करो, ऐसे बहुत डार्क लाइंस मत बनाओ, गलती अगर हो बहुत डार्क लाइंस बना रहे हो लाइटली बनाओ, क्योंकि ज्यादा डार्क बनाओगे तो वो ब्लेंड नहीं हो पाती, लाइट बनाओगे तो वो हल्का सा करोगे फिर वो ब्लेंड हो जाती है आगे, ठीक है। ये किया अपन ने, अब गलती यहाँ कर रहे थे कि टिप बहुत ज्यादा डार्क कर दी, तो 6B को लाइटली यूज करो। तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी तक कि 6B को अपन ने कैसे करना है यूज। तो यहाँ टिप पे किया अपन ने हल्का हल्का शेड, बहुत ज्यादा डार्क नहीं बोलना मैं, ये ऊपर ऊपर आए अपन हल्का हल्का, फिर ये यहाँ पे आए, यहाँ पे आते आते ऊपर आते आते लाइट हो गया ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ से हल्का हल्का जो 6B है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ जाते आते आगे वही फेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ब्लेंडिंग स्टम्प से आराम से ब्लेंड कर दिया, बहुत ध्यान से करना कि हिस्सा रफ ऐसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब अपन वही अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो अपना नाखून का रहता है, आगे का हिस्सा थोड़ा सा इरेज किया,
फिर उसको शेड करा अपन ने कैसे डार्क टू लाइट वाले टोन में, ये नीचे नीचे डार्क रहेगा, ऊपर जाते जाते लाइट हुआ, इसे ब्लेंड किया इस पे, फिर हल्के मैकेनिकल पेंसिल से वर्टिकल में स्ट्रोक्स डाले, वो थोड़े से डिजाइन रहता ना, और फिर इसकी अपन ने आउटलाइन बना दी। फिर बाकी जो फिंगर्स की आउटलाइन हल्की हल्की रहती है, ठीक है, ये अपनी ये वाली फिंगर भी कंप्लीट हो जाती है। करो इतना। अब भाई प्रोसीजर अपन इस फिंगर के लिए भी रिपीट करेंगे और ये वाले पोर्शन में थोड़ा आएंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या हो जाएगा अपना, काम से स्टार्ट करेंगे तो पहले 4B पेंसिल से धीरे धीरे सर्कुलर शेडिंग पे करेंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ किया, देख सकते हो कि यहाँ पे भी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे भी शेड है, इसमें इस तरीके लॉन्ग वर्टिकल से क्या कहते हैं स्क्वायर टाइप एरिया छोड़ दिया, आराम आराम से होगा, ठीक है। ये हुआ इस तरीके से, फिर नकल्स के नीचे होगा थोड़ा हल्का सा होगा थोड़ा सा बस। अब ये वाला जो मेन पोर्शन है ये ऐसा शेड होते होते आगे की तरफ बढ़ेगा अपना, ठीक है, थोड़ा यहां से आएगा मतलब से, और ये बीच में इतना सा छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन ने ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से इसे ब्लेंड किया, ये वाला हिस्सा ब्लेंड किया आराम आराम से। देखो ब्लेंडिंग स्टंप से बस स्मजेस नहीं आने चाहिए, एक बात का ध्यान रखना, मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, ठीक है। आराम से इसे ब्रश से किया, ये जो अपने नकल थे इसके सराउंडिंग में थोड़ा किया अपन ने ढंग से। अब वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे जो हाइलाइट्स वाला है, यहाँ पे अपन ने हाइलाइट्स दी अपनी जीरो इरेजर से, जितने पतले हो सकते हैं उतने पतले, तो ठीक है, नाखून वाला हाइलाइट हो गया अपना। अब देखो 6B पेंसिल अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, 4B को थोड़ा एक और लेयर दे दो 4B की, ठीक है, लेकिन 6B अगर बहुत डार्क हो रही है वो मत करो 6B को। देखो मैं एकदम जस्ट पीछे पकड़ा हूँ और बहुत लाइटली यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा फिल कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं बहुत लाइट। अब ऐसे नहीं कि यहाँ कभी छोड़ी मैं ले गए इसे यहाँ करके, ऐसे नहीं कि इतने हिस्से में छोड़ दिया, अब मैं क्या ऊपर तक ले रहा हूँ और लाइट की लाइट कायम ये वाले हिस्से में, ये धीरे धीरे इसकी आउटलाइन टाइप आई और ये कायम। बहुत ज्यादा अपन को डार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ब्लेंडिंग आसान से हो इसलिए अपन डार्क टू लाइट ले जाते हैं, ब्लेंडिंग स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लेंडिंग अपन रफ सी कर रहे हैं तो फिर फायदा ही नहीं रहेगा आपकी अच्छी शेडिंग करने का, बीच में जो पार्ट है ना इसे भी शेड कर लेना, ठीक है। ये किया हल्का सा, फिर यहाँ पे जो अपने हाईलाइट थे उसके आस पास थोड़ा शेड किया, ठीक है, जो आपकी आउटलाइन थोड़ी इरेज हो गई होगी उसे दोबारा बनाया, नाखून के अंदर वाला पोर्शन शेड करा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना हैंड जो है वो पूरा हो जाता है। थोड़ा सा अब एक बार ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज रेफरेंस में, ये वाले पोर्शन में यहाँ आ रहा है थोड़ा, तो यहाँ ब्लेंडिंग स्टंप्स की वजह से थोड़ा एक जो स्मज टाइप रहता ना वो देंगे अपन, और उसे बाहर की तरफ फैलाने देंगे बस। ये डार्क हिस्सा थोड़ा सा हुआ इसे फैलाया ब्रश की मदद से, उसे ब्लेंड कर लिया, तो ये अपनी उंगलियां जो है बहुत आसानी से हैंड अपना बन जाते हैं। अभी अपन को इसके आसपास जो शेडिंग है और हाइलाइट्स और डेप्थ है ये है ना बीच बीच में होते हैं, पहले इतना कर लो। थोड़ा सा जो अपन को शेडो देनी है जैसे इन फिंगर्स के बीच में, देखो 4B नहीं 6B लो, यहाँ पे 6B पेंसिल ली बहुत, देखो जिनसे कंट्रोल नहीं हो रही है 6B पेंसिल मत करो, 4B को थोड़ा डार्क यूज कर लेना, इतने से पोर्शन ये पीछे की तरफ तो हेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे आएगा इसे डार्क टू लाइट आएगा, मतलब इस साइड डार्क आएगा बाहर आते आते लाइट, इस फिंगर के नीचे ये डार्क था ये आते आते लाइट हो गया, इस फिंगर की टिप पे 4B आएगी, देखना यहाँ 6B था, ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ 6B था, अभी जो शेडो आ रही है ये 4B रहेगी, तो कैसे सर्कुलर चलाओ, ऐसे सर्कुलर चलाया जैसे अपन ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, सर्कुलर चलाओ तो यहाँ पे आके मिक्स हो जाए,
इस शेड में, ऐसा नहीं कि ये अलग और ये अलग दिखना चाहिए। ये बहुत क्रूशियल चीज है कि तुम अलग से जब शेड कर रहे हो तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेड के साथ स्मूथली ब्लेंड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग से किया हो, ऐसा लगना चाहिए कि सेम ही सेम किया हो। तो ये यहाँ पे आ रहा है और धीरे धीरे देखो ये मिक्स हो, ये हल्का हल्का इस वाली फिंगर पे भी आएगा, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन ये आगे तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस में उतना नहीं हो रहा, तो हल्का हल्का ही शेड हो जाएगा बस इसे। अब ब्लेंडिंग स्टैम्प की मदद से जो अपन ने डार्क डार्क ये किया है, इसे ब्लेंड किया, ये ब्लेंड किया, ठीक है, ऐसे सर्कुलर चलाते जाओ, फिर यहाँ पे ऐसे सर्कुलर चलाते गए, यहाँ धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर चलाते गए, देखो ऐसे टिप के पास डार्क लगना चाहिए, यहाँ आते आते सेम शेड, ठीक है, यहाँ टिप के पास डार्क लगना चाहिए और यहाँ आते आते सेम शेड। तो अब क्या करेंगे अपन, हल्का हल्का ऐसे ब्रश चला लो यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा यहाँ चलाओ ताकि ये भी ब्लेंड हो जाए। अपनी जो टिप की आउटलाइन आएगी वो ब्लेंड हो गई होगी तो उसे दोबारा बना लो, ठीक है, बहुत डार्क नहीं बनाना है अपन, इतना बना, ठीक है, थोड़ा यहाँ यहाँ पे, थोड़ा यहाँ। तो इस तरीके से अपनी जो अपन को फिंगर्स था शेडो के साथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अब अपन हेयर्स चालू करेंगे।